हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं आपको सिखा रहा था कि कैसे गूगल मैप से देखकर रूट बनाया जाता है, तो उसी का हम मतलब कंटिन्यूएशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक और बार दीघा को देख लेते हैं कि मतलब आपने तो देख ही लिया होगा कि राइट साइड का प्लेटफॉर्म ये देखिए बड़ा है और लेफ्ट साइड का छोटा था, ठीक है। और ये लेक था दोनों तरफ, हाँ दोनों तरफ लेक था और थोड़ा थोड़ा मतलब घर मतलब था। और यहाँ पर लाइन यहाँ पर जॉइंट आकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ओवरब्रिज भी था, ठीक है। तो चलिए अब इसको मतलब शुरू करते हैं बनाना। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे कि हम अभी गेम के अंदर आ चुके हैं। और सबसे पहले हम जो करेंगे वो है हम शेड देंगे प्लेटफॉर्म में। मैं अगले वीडियो से बोल जा रहा हूँ पर मैं अभी तक शेड नहीं दिया, तो चलिए शेड देते हैं, ठीक है। तो ये एक और वो जो आयर कोरोना वाला एक ऑब्जेक्ट का शेड है, पर ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक मतलब जो है ना सूरत का जो एक शेड है, तो वो आपको मतलब जो घर वाला ऑप्शन है उधर पे आप जाएंगे और जो राइट वाला है उधर के क्लिक करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको लगा देते हैं ठीक ठाक से। जैसे कि आपको पता है कि राइट साइड का जो प्लेटफॉर्म है वो पूरा शेड से मतलब पूरा शेड है उसमें, हाँ। और राइट साइड लेफ्ट साइड का जो प्लेटफॉर्म है उसमें थोड़ा थोड़ा शेड है और पेड़ स्टॉल ऐसा कुछ है, ठीक है। तो हम वैसे ही कोशिश करेंगे और मतलब राइट साइड के प्लेटफॉर्म में भी स्टॉल फॉल है सब, तो हम देंगे, ठीक है। तो चलिए लेते हैं, ठीक है दोस्तों। और एक बात है, मतलब इसको आपको ना ठीक ठाक से सेट करना पड़ेगा क्योंकि ये एकदम नीचे आता है, हाँ। जब भी आप इसको क्लिक करेंगे और इसको देंगे एकदम नीचे एकदम फ्लैट आता है, तो इसको आपको एक एडवांस आप देख ही सकते होंगे, ये जो है नीचे करके देखिए थोड़ा एडवांस है। उधर में जाके एक पहाड़ के जैसा ऑप्शन है उसको अगर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर या नीचे आप एडजस्ट कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो हम अभी इसको भी कर लेंगे, मतलब वो साइड तो हो गया है, अब ये साइड को भी हम कर लेंगे, ठीक है। हो नहीं रहा क्यों पता नहीं, हो जा रहे, हो नहीं रहा, क्या ही करे। चलो प्लेटफॉर्म भी उड़ा देते हैं, हाँ देख लिया अब, ठीक है। तो अब अंडू में प्रेस करते हैं, हाँ देखिए अब प्लेटफॉर्म आ गया। तो हमको पता चल गया कहाँ है, इसे उठा देंगे, ठीक है। ये देखिए एडजस्ट कर दिया और इसको मूव कर देंगे, सीधा कर देंगे, ठीक है। ये देखिए हो गया। तो राइट वाला जो प्लेटफॉर्म है हमारा मतलब लगभग रेडी है, और अब बढ़िए लेफ्ट वाले के लिए, ठीक है। लेफ्ट वाला करते हैं, चलिए लेफ्ट वाले के लिए हम लोग करेंगे सबसे पहले दो या तीन छोटे छोटे शेड देंगे, ठीक है। और मतलब अब देखिए, अब अगर नहीं देखे तो और एक बार देख लीजिएगा कि मतलब जो राइट साइड का प्लेटफॉर्म है, लेफ्ट साइड का प्लेटफॉर्म, सॉरी, जो लेफ्ट साइड का प्लेटफॉर्म है वो थोड़ा छोटा सा है, ठीक है। और छोटा सा है और शेड भी उसमें ज़्यादा नहीं है, पेड़ पौधा ज़्यादा है, तो हम वही देने का कोशिश करेंगे, एकदम रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो अभी इसे एडजस्ट कर लो, थोड़ा एडजस्ट कर लो उसे। बस एकदम भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपको एकदम पूरा सिखा दूंगा, हाँ। क्या मतलब कैसे क्या करना है, आप जस्ट इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए, मैं एकदम आपको रिस्पॉन्सिबली पूरा सिखा दूंगा। कि बहुत जन मुझे बोल रहे थे कि भाई कैसे करते हैं, कई मतलब गूगल मैप से देखकर इतना अच्छा, मैं नहीं बोल रहा मेरा रूट अच्छा है, उन्होंने बोला है मुझे मैसेज करके कि बहुत बढ़िया काम है। मैं खुद का तारीफ नहीं करने वाला, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। मैं मुझे पता है मुझे और कोशिश करने की ज़रूरत है, और अच्छा रूट बन सकता था अगर मैं और कोशिश करता, कोई बात नहीं। चलिए इसको ठीक कर देते हैं। और मैं यहाँ पर अभी सर्च किया आयर्स मॉल, ठीक है। अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा
जो गेमिंग एंड इन्फोवर्ल्ड चैनल है उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और या तो आप आईआर महाराष्ट्र जो रूट है ट्रेन्स के लिए वर्जन 19 से, अगर आप वर्जन 90 से भी आप अगर आप ऑब्जेक्ट डाउनलोड करते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं, ये सब मिल जाएगा। मैं वहीं से डाउनलोड किया, मैं और कोई एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट डाउनलोड नहीं किया, ठीक है। पहले मुझे भी नहीं आता था बहुत अच्छे से रूट बनाना, मैंने हावड़ा का रूट बनाने का कोशिश किया है, हावड़ा सांतरागाछी हावड़ा श्यावड़ा फुली बहुत बार बना, एकदम कॉम्प्लीट हो गया, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने पूरा डिलीट कर दिया। इसीलिए इतना दिन लगा कि ये एक मतलब पुरुलिया का जो रूट है उसको मैंने फाइनल डिसाइड किया कि ये अब करना ही है, करना ही मतलब करना ही है, इसीलिए मैं उस रूट को मतलब पब्लिश कर दिया। आप और आपको पता है अगर आपने मेरा हावड़ा बंडल का रूट डाउनलोड किया है तो आप देखे होंगे कि उधर भी बहुत क्रैश का प्रॉब्लम था, मुझे ठीक से बनाना नहीं आता था। तो ठीक है, कोई बात नहीं, देखिए अभी हम यहाँ पर दे चुके, कोशिश कर मतलब उम्मीद करते हो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। ये एक बार और मैं मतलब पूरा सीधा कर देता हूँ, ऊपर का जो लेयर है देखिए पूरा सीधा हो गया है, हाँ पूरा सीधा हो गया है। और अब मतलब जो कलर करने का ये है, कलर में अगले मतलब इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें करूँगा, ठीक है, पार्ट 3 में, या अभी पार्ट 2 चल रहा है। तो देखिए थोड़ा और एडजस्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है, ये तो छोटा छोटा दोनों मैंने शायद लगाया, हाँ दोनों लगाया छोटा छोटा, और इसके अंदर जो है और मतलब वो टैप जो है टैप लगाऊंगा, फिर पेड़ लगाऊंगा, ठीक है। तो अब ये पेड़ अच्छा नहीं है, आप जो भी आपको पेड़ पसंद है वो देना, ठीक है, ये बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है इसलिए मैं इसको नहीं दे रहा, हाँ ये पेड़ कुछ अच्छा है, हाँ यही पेड़ देना। अभी धूप हाँ चला गया अभी, हाँ इधर, हाँ देखिए ये सुंदर लग रहा है प्लेटफॉर्म में, ठीक है, और एक पेड़ दे देंगे इधर को, ठीक है, ये देखिए अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमने जो देखा गूगल मैप में पेड़ था, मतलब लेफ्ट साइड के प्लेटफॉर्म में पेड़ था, अगर नहीं रहता तो हम नहीं देते, ठीक है। इसके मतलब जो राइट साइड का प्लेटफॉर्म है वो थोड़ा बड़ा और उसे ज़्यादा सजाया गया है, और लेफ्ट साइड का जो प्लेटफॉर्म है उसे ज़्यादा सजाया नहीं गया, ठीक है। और इधर पर हम अभी एक टैप दे देंगे, ठीक है, याद रखिए आप जब भी टैप देंगे ना उसे शेड के अंदर मत दीजिए, मतलब शेड जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहाँ पर दीजिए, आपको अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। अभी हम स्टॉल देते, ये स्टॉल कुछ अच्छा नहीं है, ये एक अच्छे से स्टॉल दे दूँ, ये स्टॉल कुछ अच्छा है, अब इसे एडजस्ट कर दिया, उम्मीद है आप एडजस्ट करना सीख गए होंगे। आपको एक ही बात एक्सप्लोर करना है, मैंने बहुत एक्सप्लोर किया है, मैंने जब ट्रेंच मतलब इंस्टॉल किया था मैंने बहुत एक्सप्लोर किया था रूट बनाते समय। और देखिए ये टैप आ गया, इसको थोड़ा ऐड, हाँ ये देखिए तो इसमें अब टैप अच्छा लग रहा है, अगर ये शेड के अंदर देते तो इतना अच्छा नहीं लगता, मतलब मुझे लगता है आप दे सकते हैं, ठीक है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा। और यहाँ पर टैप देते हैं, दे देते हैं कि ये शेड पूरा ही प्लेटफॉर्म शेड के अंदर है, ठीक है, तो ठीक है दे दिया, और एक स्टॉल दे देंगे यहाँ पर, स्टॉल आप शेड के अंदर भी दे सकते हैं कोई बात नहीं है, ठीक है। इधर पर एक और टैप दे देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। भाई अगर कोई आया प्यास की वजह से मर गया तो हमको फिर जेल हो जाएगा, एक भी स्टेशन में पानी का मतलब टैप नहीं दिया हुआ है, खाली खाली केस खा जाएंगे। ये अमूल का एक स्टॉल दे दिया, इधर को भी दे देते हैं एक अमूल का स्टॉल टैप के पास में, एक टैप के पास में अमूल का स्टॉल दे देते हैं। अमूल बोले भैया इधर आ जाओ, हाँ अमूल बोले भैया हमारे आ चुके हैं, एकदम पेड़ के बगल में अपना शॉप लगा दिए हैं, अगर आपको कुछ खाना है तो ले लीजिए, लेकिन बहुत जीएसटी पड़ता है यार, इसलिए संभाल के मिडिल क्लास ओपिनियन दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अभी कंप्लीट हो ही चुका है, अब क्या करेंगे, अब आपको याद होगा कि एक तालाब था, हाँ उस तालाब को हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, तालाब को इसी वीडियो में कवर करेंगे, मतलब राइट साइड वाला जो बड़ा सा तालाब था। आगे आगे तो और भी है, बहुत सारे है, पूरा मतलब रूरल एरिया है, ये पूरा विलेज टाइप का एरिया है। अभी
ग्रास दे देते हैं आपको, जस्ट कुछ नहीं सर्च करना है कि फॉरेस्ट ग्रास, ठीक है, फॉरेस्ट ग्रास आपको सर्च करना है। और अगर ये ग्रास चाहिए तो आपको सर्च करना है फॉरेस्ट ग्रास 30, 31, 23, 29, ये सब आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, आपको जो पसंद है वो दे दीजिए। मैं अभी यहाँ पर फॉरेस्ट ग्रास 30 दे रहा हूँ, ठीक है, ये मतलब अच्छा लगता है मुझे, ये मैंने पुरुलिया वाले रूट में भी यूज़ किया था। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ये वीडियो थोड़ा बड़ा है पर मैं कोशिश करूँगा कि आप पूरा समझ जाए, अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा देखिए। लाइक फाइक करने का ज़रूरत नहीं है, आप समझिए, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और हो सके तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो अभी हम तालाब बनाएंगे, ठीक है, तो पहले तालाब बनाने के लिए वाटर मतलब जहाँ पर वाटर रहेगा, एक फिर से मैंने ज़ीरो ले लिया है, हाँ ज़ीरो मतलब आपको जब मिलेगा ये पूरा लेआउट ज़ीरो में रहेगा। मैंने क्या किया, मैंने जस्ट स्टेशन को ज़ीरो में रखा, बाकी को पूरा -5, -6 या -5 पता नहीं कर दिया, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ, मैं उसी -5 के ऊपर ज़ीरो का लेआउट मार रहा हूँ, ठीक है। तो ये उठ उठ सा जा रहा है और ये एक तालाब का शेप का मिला रहा है, इसके अंदर पानी भरेंगे, ठीक है, ध्यान से देखते जाइए, इसके अंदर पानी भर देंगे। पहले ये कंप्लीट हो जाए फिर हम इसके अंदर पानी भर देंगे। हो जा रहे, कितना टाइम लगाएगा, चलो पानी भरते हैं। पानी भरना शायद आपको आता है, नहीं आता तो देख लीजिए, हाँ थोड़ा बिग स्क्रीन करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एकदम ऊपर का जो ऑप्शन है वहीं पर सब दिखता है, ठा वहीं पर सब है, एकदम ऊपर वाले ऑप्शन में। और अब इसको एडजस्ट करके नीचे ला देंगे, और ये जो कहाँ चला गया, और जो साइड का है उसको छाट देंगे, ठीक है, कटर का ऑप्शन है उसको काट देंगे, ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में काट देंगे। मैंने पानी डाला बड़े स्केल में, अब इसे छोटे छोटे स्केल में काट दे रहा हूँ, ठीक है। इधर पे थोड़ा पानी बढ़ गया है इसीलिए कट देता हूँ, नहीं तो बुरा लगेगा देखने में। देखिए काट दिया, अब इसको लेआउट करूँगा, मतलब कलर दूंगा इसे पूरा रियलिस्टिक, पॉन्ड के जितना भी कलर होता है वो सब है, ग्रीन फ्रीन सब जो भी है सब देंगे हम उसे इसी वीडियो में। हाँ तो स्टेशन हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है, अब उसे जस्ट मतलब कलर करना है, हो जाएगा, स्टेशन हमारा पूरा रेडी है, स्टेशन की और कुछ ज़रूरत नहीं है। तो अभी एक मतलब तालाब से एक रास्ता बना देते हैं, सड़क बना देते हैं स्टेशन की ओर, ताकि और रियलिस्टिक लगे, ठीक है। और अगर आपको ध्यान से देखे होंगे तो तालाब के अंदर एक मतलब उठा हुआ सा एक रास्ता सड़क था, उसे हम अगले मतलब इसके आने वाले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अभी इसको जस्ट लेआउट करते हैं, इसको पूरा कलर करेंगे अभी, ठीक है, इसको पूरा कलर करेंगे। देख लीजिए आप पॉन्ड को कैसे कलर किया जाता है ताकि वो रियलिस्टिक लगे। हाँ एकदम ऊपर मत जाइए, पूरा नीचे आ जाना है आपको, फिर ये जो आपको देख रहा है इससे आपको करना है, ये देखिए मैंने वो मतलब मिट्टी का जो सड़क होता है वो वाला यहाँ पर कलर दिया है इसको, ताकि रियलिस्टिक लगे। और दीघा जो आपको पता अगर नहीं है तो मैं बता दूँ, ये पूरा ही विलेज टाइप का एरिया है, जस्ट टूरिस्ट स्पॉट पे डिपेंड है ये एरिया, हाँ तो इधर पे ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसीलिए ये ज़्यादा सिटी वाला एरिया नहीं है, तो ये पूरा वैसा विलेज वाला एरिया है। तो अभी यहाँ पर दे देते हैं, ये आपको ये सारे कलर आपको मिल जाएंगे आपके ही फ़ोन मतलब गेम में, कुछ डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं है, ये आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे जाकर ऊपर के लेआउट ही यूज़ मत कीजिए सिर्फ, ठीक है, नीचे भी आइए और देखिए क्या क्या मतलब। मैं पहले ऊपर वाला लेआउट यूज़ करता था, फिर अच्छा नहीं लगा तो मैंने नीचे आया, देखा इतना अच्छा अच्छा लेआउट है, फिर मैंने ऊपर वाला यूज़ करना ही बंद कर दिया, बहुत कम यूज़ करता हूँ अब, यही सबसे हो जाता है, यही 5-6 है जिससे मैं मेन यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब पॉन्ड का तो कलर हो गया, अब एक और कलर देंगे, ठीक है, मतलब एक ही कलर से नहीं करना आपको, 5-6 कलर 10 कलर जो आपका मन में आए वो आपको दे देना है। अब देखते हैं कौन सा कलर दिया जाए मैच करे, इससे मैच करना चाहिए, देखिए ये कुछ
कलर ग्रीन विन सा कलर है जो कि आप तालाब के साइड में देख सकते हैं, वही मैंने दिया है। और ये मुझे लगता है कि मतलब जो हमने गूगल मैप में देखा था, ये खेती का शायद एक खेती के लिए यूज़ करते, इरीगेशन के लिए यूज़ करते हैं इसे, तो वैसे ही बनाएंगे इसे। और देखा था हमने पूरा ग्रीन ग्रीन सा है, तो वैसा ही बनाएंगे। ये पूरा रूट हावड़ा तक एक्सटेंड होगा, ठीक है, और उधर से खड़गपुर तक एक्सटेंड होगा। और देखते हैं फ्यूचर में, बहुत से रूट तो अभी आने बाकी है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। और मेरा पूरी वाला रूट उड़ गया कैसे पता नहीं मुझे, हाँ मैंने पोस्ट डाला था, पर अभी पूरी वाला उड़ गया है। जगन्नाथ देव खुश नहीं था इसलिए पूरी वाला उड़ गया, तो इसीलिए मैं इस दीघा वाले को बना रहा हूँ। और तभी मेरे दिमाग में, तो आप लोगों को भी दिखा देता हूँ क्या करना, तो अभी देखिए आप। कौन इतना मैसेज भेज रहा है भैया, काम चल रहा है अभी मैसेज भेज रहा है, तो अभी एक सिलेक्ट कर लेते हैं। और एक मतलब आपको ना नीचे भी, मतलब पानी के नीचे भी, ताकि पूरा रियलिस्टिक लगे, पानी के नीचे भी कलर देना भूलना नहीं है, ठीक है। देखिए रियलिस्टिक लगेगा अभी देखने में, ये देखिए मतलब पानी के नीचे भी वो घास फूस उगे रहता है, हाँ पेड़ पेड़ रहता है, तो पेड़ नहीं रहता वो ग्रास पास रहता है, तो उसे एकदम रियलिस्टिक दिखाने के लिए ये यूज़ किया, ठीक है। देखिए अच्छे से हो गया है, और अगर आपको कुछ भी समझने में दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट में बोल सकते हैं। अगर मुझे वो प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा लगा तो मैं आपको पर्सनली मैसेज करूँगा, कोई टेंशन करने की वाली बात नहीं है। आपको बस समझना है कि कैसे हो रहा है, अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, पहले कमेंट में कीजिएगा। अगर देखा कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ नहीं पा रहा है, तो मैं आपको पर्सनली अच्छे से समझा दूँगा, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लाइक फाइक करने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप समझिए, फिर अगर आपका मन है तभी कीजिएगा, ठीक है। मैं ये सब लाइक फाइक के लिए नहीं कर रहा, आप समझे, मतलब आप समझे, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये वीडियो ख़त्म होने को ही आया है, तो बाकी काम हम नेक्स्ट मतलब पार्ट 3 में करेंगे, ठीक है दोस्तों। बाय बाय, तो अच्छे से रहना और सब्सक्राइब करके जाना।